हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं विनीता राणा सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज है धनतेरस और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माँ काली आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, महालक्ष्मी सब पर कृपा करे। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे घर के सामने जो गमला है उसमें ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं भेंजरा बोलते हैं इसको। और इसकी बहुत सुंदर चटनी होती है और बहुत ही टेस्टी चटनी होती है इसकी। गांव में इसकी चटनी बनाते हैं और सब्जियां सुबह के नाश्ते में तो अधिकतर इसी की चटनी बनती है सब्जी के अलावा। और ये बिल्कुल तैयार बजने शुरू हो गए हैं और मैं इसको नहीं निकालूंगी क्योंकि इस पर सुंदर सी एक चिड़िया है हमारे घर पर है, वो उसने हमारे घर पर ही घोंसला बना रखा है। तो वो चिड़िया डेली इसके बीज खाती है और दोनों चिड़िया यहाँ पर आके इनके बीज खा लेती हैं। तो मैं इसको नहीं तोड़ूंगी इसलिए मैं उसका खाना नहीं छीनने वाली हूँ क्योंकि ये तब गांव में भी मिल जाता है, मैं गांव से लेके आऊँगी तो इसको मैं रहने दूँगी क्योंकि वो डेली इसको खाती रहती हैं। और अगर आप भी कभी कालीमठ आओ तो मैं आपको इसकी चटनी खिलाऊँगी, बहुत टेस्टी होती है। और बहुत सारे लोग जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उन लोगों ने इसकी चटनी खाई हुई है और उनको पता है इसका स्वाद कैसा होता है। भेंजरा मैंने बोला है, जब भी वो बोलते हैं किसकी चटनी है तो मैं बोलती हूँ भेंजरे की चटनी है। तो मैं इसका घर आपको आगे दिखाने वाली हूँ कहाँ पे ये रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये चिड़िया इस भेंजरे को कैसे खा रही है, ये देखो इसके सारे बीज खा लिए इसने। और ये घर पे भी हमारे घर पे ही घर बना रखा है। और यहाँ पे ये मैंने गमले में लगा रखा था, इसकी बहुत सुंदर चटनी होती है, पराठे के साथ खाओ रोटी के साथ खाओ बहुत ही टेस्टी। पर इसने बिल्कुल भी इसमें बीज नहीं रखे हैं और वैसे ये पक गया है पर मैं इसको निकाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये डेली आते हैं और यहाँ से इसके बीज खाते हैं। तो मैंने सोचा चटनी के लिए मैं ये तो कहीं और से भी ले लूँगी पर इनका खाना नहीं इनसे छीनूंगी क्योंकि डेली ये चिड़िया दोनों की दोनों यहाँ पे आती हैं और इसका पूरा मज़ा लेती हैं, बहुत टेस्टी होता है ये। देखो इसके बीज इसके अंदर बज रहे हैं, खन खन की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। अब ये हमारा पुराना वाला घर है तो इसमें पुराने ज़माने में पत्थर में ऐसे छेद बनाए जाते थे, इनको बोलते हैं खदरा। और इसके ऊपर एक छेद है, वहाँ पे ऐसे लकड़ी का डंडा था कपड़े डालने के लिए और यहाँ पे इनके बच्चे हो रखे हैं यहाँ अंदर। तो ये जो छेद है यहाँ पे वो चिड़िया रहती है। और देखो फिर से वो मैं वापस आई तो वो फिर उस पेड़ पर चले गई है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। तो मुझे देख के वो भागने वाली है, वैसे तो ज़्यादातर नहीं भागती है वो मेरे से, अरे आधी भगा रहा है उसको, ये देखो बैठी हुई है। तो ऐसे ये छत पे रहती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं ये। अब इनकी जाति विलुप्त होने वाली है यहाँ पे, पहले इनको हम अपने बचपन में बहुत ज़्यादा हमारे घरों में जैसे धान हम डालते थे तो धान को खाने के लिए आती थी ये बहुत ज़्यादा, और अभी ये विलुप्त होने जा रही हैं, बहुत कम दिखाई देती हैं ये। तो देखो मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, मैंने यहाँ पे गमले भरे थे और इनमें मैंने राई लगा दी है, एक एक पौधा राई का लगा दिया है। और अब बाद में आपको दिखाऊँगी राई कितनी बड़ी हुई है।